यूट्यूब चैनल और परसरमा परसोनी के अलावा जो इर्द गिर्द 20-25 गांव से लोग आते हैं, सबका खैर मकदम मैं पीएन शेखर करता हूं। यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं बता दूं कि आज शुभकामना कप जो YSC परसरमा संचालित करता है और रिंकू सिंह शेखावत उनके मार्गदर्शक हैं, उनकी देखरेख में ये टूर्नामेंट होता है। यह है सुपौल कप, परसरमा टॉस जीता है। शुभकामना कप 2020 के प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। सामने गेंदबाजी करेंगे मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक बेहतरीन ऑलराउंडर राजेश सिंह, बायां हाथ के गेंदबाज हैं, उनके सामने सैंकी। बाहर की तरफ गेंद और पहली गेंद पर इशारा BCA पैनल के एक वरिष्ठ और बेहतरीन अंपायर विनय झा का इशारा वाइट का। इस अतिरिक्त शिवान के जरिए खाता खुला, मुजफ्फरपुर टीम एक रन बिना किसी नुकसान के। फिर से बाहर की तरफ क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार और बल्लेबाज के शरीर से थोड़े दूर गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है। एक स्लिप लगा रखा है विकेट कीपर के ठीक दाहिनी तरफ, एक गली जो थोड़ी सी वाइड है और एक कवर से एरिया में क्षेत्र रक्षा। फिर से बाहर की तरफ गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद तेजी से गेंद निकली, विकेट कीपर ने नीचे झुकते हुए गेंद को गैदर किया और वापस कर दिया गेंदबाज के पास। फिर से शरीर से दूर रखने की कोशिश, लेकिन बल्ले के बाहरी हिस्से को लेती हुई गली का जो क्षेत्र खाली है उसे चूमते हुए गेंद गई थी थर्ड मैन की तरफ। वाइडिश थर्ड मैन से दौड़ते हुए क्षेत्र रक्षक ने अच्छी फील्डिंग की और शर्तिया तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया, बल्ले से निकलने वाला ये पहला स्कोरिंग शॉट। रनों की कुल संख्या चली गई है 2, पहला ओवर फेंका जा रहा है तो बायां और दायां संयोजन फिर से गेंद कम कर दीजिए। बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज और जो 30 यार्ड सर्किल है उसके बाहर मात्र 9 खिलाड़ी घेरे के अंदर, विकेट कीपर और गेंदबाज सहित, और 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर। बड़ा ही मुश्किल होता है जब कोई बाएं हाथ का गेंदबाज अपने ओवर द विकेट गेंद फेंकते हुए मिडल और लेग पर जो पड़ने वाली गेंद होती है पट्टी का अदृश्य, पट्टी का से बाहर नहीं भी गेंद हो तो फिर हाउ वाज दैट कि एक बस आप आह भर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा ओवर चल रहा है। अब तक इस ओवर में एक बात तो तय है, देखने को मिल रहा है भले ही अपनी लाइन से पहली गेंद से भटके लेकिन गेंद के गेंदबाज ने बल्लेबाज के रेडियस में गेंद नहीं डाली है जिससे कि बल्लेबाज 30 यार्ड सर्किल का फायदा नहीं उठा पाए। बड़े चालाकी से गेंदबाजी हो रही है राजेश की। देखिए और 30 यार्ड सर्किल का फायदा यहां पर मिल नहीं पाया है, पहले विकेट का पतन होता हुआ आखिरकार अपने जाल में फंसा लिया राजेश सिंह ने, कुछ डॉट गेंदे डाली और अंततः बल्लेबाज को वापस पेवेलियन जाना पड़ा। चौड़े कदकाठी के मुकेश जो जमीनी शॉट ज्यादा खेलते हैं, गेंदबाजी में विपुल कृष्णा,
कंधे में, अगर आपके बाजुओं में ताकत है, कंधे में जान है और गेंदों में उछाल दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपका दरवाजा खुला हुआ है आईपीएल और भारतीय टीम में जाने के लिए। बस मेहनत की जरूरत है और वक्त कभी भी किस्मत का दरवाजा खोल देता है। फुल लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से खेला और गेंद गई थी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पास, जिसे आप स्वीपर कवर भी बोलते हैं। वहां से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो आता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और रनों की संख्या को पहुंचा दिया कुल तीन रन के। राजेश अच्छी बल्लेबाजी, गेंद की लाइन लेंथ को परख कर जहां पर गेंद टप्पा पड़ती है, अगर आपके कदम ताल ठीक हैं, कदमों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो निस्संदेह आपके बल्ले से एज नहीं निकलेगी और आप एक्स्ट्रा कवर और कवर सीढ़िया के गैप का फायदा उठा पाएंगे। अक्सर इंटरनेशनल मैचों में भी आपने देखा होगा कि यॉर्क कराने की कोशिश में कभी कभी फुल टॉस गेंदें आती हैं जिनका फायदा बल्लेबाज को नहीं मिलता है, गेंदबाज को मिल जाता है। तो यही बात अभी हुई, डॉट बॉल एक किया है विपुल ने। एक एक डॉट गेंद का दोस्तों महत्व होता है क्रिकेट के अंदर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, जबरदस्त उछाल प्राप्त की विपुल कृष्णा ने। दो बाएं हाथ के गेंदबाजों का आक्रमण पर आना ये बहुत ही सुखद एहसास होगा, खासकर सुपौल टीम के लिए, और बेनिफिशियल भी है। ये इंटरनेशनल मैचों में भी काफी कम ओपनर गेंदबाज दिखाई पड़ते हैं कि दोनों बाएं हाथ के हों, ये संयोग काफी कम होता है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक स्लिप का क्षेत्र और एक फाइन लेग को थोड़ा सा वाइडिश किया। यॉर्क कराने की कोशिश, जी सर। और कल पप्पू और टिंकू ने गजब की गेंदबाजी की थी। अच्छा शॉट, खाली पड़े हुए गैप में कवर से एरिया का फायदा उठाया और शानदार चौका निकलता हुआ। इस चौके की मदद से सात और देखिए ये हुई वापसी। राजेश सिसी ने इसके पहले वाली गेंद और इस गेंद में अंतर को महसूस किए कीजिए। पिछली गेंद में उन्होंने कंधे का बेशक इस्तेमाल किया था, उछाल नहीं प्राप्त कर पाए और इस बार उन्होंने किया, फुल लेंथ गेंद डालने की कोशिश की और जगह पर टप्पा खिलाया। डायगनल, ऑब्वियसली जो डायगनल एक कोण बनता है बायां हाथ के गेंदबाज का, वो बनाया। अक्सर क्रीज के कोने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और यहां पर देखिए स्लिप के रीजन से एक खिलाड़ी को हटाते हुए कवर एरिया में बुला लिया है। गली, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, घेरे के अंदर। और एक खिलाड़ी अभी अभी जहां पर गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, रन आउट होने का खतरा मंडरा रहा था, बिना देखे सोचे समझे कॉलिंग किए बगैर दौड़ लगा चुके थे मुकेश सैंकी राजेश के सामने। अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और मुड़ चले अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। फील्ड की पोजीशन पर ध्यान दीजिए, छह खिलाड़ी ऑफ साइड, तीन खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ सैंकी तैयार हो रहे हैं। एक चौका लगाया था पहली गेंद पर, उसके बाद बांध दिया सैंकी को राजेश ने। बहुत ही खूबसूरत गेंद, उंगलियां फिरा दी थी और
जब उंगलियां बल्लेबाज गेंदबाज फिराता हो और सिम सीध में दिखाई पड़े बल्लेबाज के, तो अभी भी दम है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बेहतर गेंदबाजी इनकी हो रही है। पीछे क्षेत्ररक्षक मौजूद है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस एक रन के साथ ही स्कोर चला गया है कुल 8। तीन ओवर समाप्त हुए हैं, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। 14 ओवर शुरू होने को है और गेंदबाजी का जिम्मा विपुल कृष्ण के पास। बाएं हाथ से ओवर द विकेट और वाइड का इशारा अपनी चिरपरिचित शैली के लिए पूरे मधुबनी ही नहीं सारे मिथिलांचल और सीमांचल जोन में बेहद ही लोकप्रिय हो चुके हैं सुरेंद्र नारायण सिंह। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त श्रीवान के जरिए 9 रन। रनों की रफ्तार धीमी बेशक हो सकती है, लेकिन आखिरी में ये एक्सेलरेट होता है अगर विकेट आपके हाथों में हो। यॉर्कर कराने की कोशिश, जो वाइड पट्टिका होती है वहां पर यॉर्कर देने का एक प्रचलन आ चुका है। आईपीएल में ज्यादातर आपने देखा होगा डॉट अधिकतर वाइड पट्टिका के पास गेंद शरीर से दूर फेंक कर कराई जाती है। विपुल कृष्णा ने कराने की कोशिश की, सफल भी हुए क्योंकि रन नहीं निकला इस बॉल पर। छोटे कद के सैंकी लंबे कद के विपुल कृष्ण के सामने बहुत ही तेज शॉट बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई ब्लेड से निकल गई स्लिप के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। थर्टी यार्ड सर्किल का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। छोटा कद बेशक हो लेकिन इनके मंसूबे बड़े हैं। अच्छा शॉट, पंच दिखा बल्ले में। एक आवाज जो आती है जब आपके बल्ले के स्विच स्पॉट पर गेंद टकराती हो तो जबरदस्त आवाज आती है, वो आवाज आई लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। कप्तान खुद वहां पर मौजूद राजेश सिंह, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाई। फुल लेंथ गेंदे लगातार कर रहे हैं विपुल कृष्णा के। इस ओवर में मैंने ध्यान दिया है सारी गेंदे उन्होंने यॉर्क कराने की कोशिश की है और पिछले ओवर में 2-3 बार कंधे का भी इस्तेमाल किया था। ओवर नंबर को लिए 4th फेंका जा रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। धीमी शुरुआत मानी जा सकती है मुजफ्फरपुर की, लेकिन मजबूत शुरुआत, विकेट मात्र 18 रन। आखिरी वक्त में शरीर से दूर जाती हुई गेंद पर बल्ला अड़ाया, इसलिए अड़ाया कि वहां क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं थे, स्लिप नहीं था, ओवर संपन्न हुआ है तो कुल 19 रन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज, बल्लेबाजी में पहला परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, रिपुंजय मिश्रा आए हैं फार अवे एंड की तरफ से और उनके सामने होंगे मुकेश। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, बिल्कुल विकेटों के बीच में गेंद थी लेकिन कलाइयां मुड़ी और स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका मुकेश के लिए। रिपुंजय और क्या ये एक और 4 देखने का मौका मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, दूसरा चौका, लगातार 2 चक्के निकल गए। लॉफ्टेड शॉट, लगातार 3रा चौका निकलता हुआ मुकेश के बल्ले से 13 पर पहुंचे हैं मुकेश। बिल्कुल पकड़े गए, कहीं से बचने की कोई गुंजाइश नहीं। निसंदेह वाइड करार करने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं की। विनय झा ने दोनों हाथों को फैलाया और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए
रिपुंजय मिश्रा का ओवर और भी थोड़ा सा महंगा साबित, हालांकि एक विकेट की प्राप्ति उन्होंने की इस एक रन के जरिए। मुजफ्फरपुर 32 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। पांचवा ओवर फेंका जा रहा है। अच्छा किया, बिल्कुल सही किया बल्लेबाज ने। कई दफे आप लालच में आ जाते हैं कि मैं गेंद से भले दूर हूं, बल्ला लगा दो, और इस चक्कर में बल्लेबाज को आउट होना पड़ता है। अच्छी बल्लेबाजी, कंधे में जान और कलेजे में जब ताकत हो तो इस तरह की गेंदें देखने का मौका मिलता है। पहली गेंद ऐसी रिपुंजय ने फेंकी जिससे सभी लोग प्रभावित हुए होंगे। ओवर संपन्न होता हुआ, महंगा ओवर, और इस ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों की संख्या सफल बिल्कुल 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। तो जो परिवर्तन किया है आज की टीम में, उसकी सबसे बड़ी वजह कि गेंदबाजी के पक्ष को मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान ने मजबूत किया है, और ये सुभाष चंद्र अब दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले सीजन में भी सुभाष चंद्र काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, खासकर मुझे जहाँ तक याद है ऑलराउंडर की हस्ती रखते हैं ये टीम में। बल्ले से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, गेंदबाजी भी अच्छी की थी। जी मुझे याद आ गया, ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। सुभाष चंद्र ने फूलपरास में भी बेहतरीन खेल दिखाया था। और देखिए सूरज भगवान सुभाष चंद्र के साथ आशीर्वाद देने, अभी बल्लेबाज तैयार नहीं थे। गेंद को उछाल देने की कोशिश की, स्क्वायर लेग की एरिया में धकेलते हुए एक रन लिया, और इस एक के जरिए मुजफ्फरपुर 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर फेंका जा रहा है। छठे ओवर की पहली गेंद थी ये। बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी थी और एक अजीब तरह की आवाज आई, मालूम बल्ला अंदर से खोखला हो, लेकिन बल्लेबाज खोखला नहीं है, बल्लेबाज मजबूत है, चौके लगा रहा है। छोटा कद लेकिन उड़ान काफी ऊंची। इस सिंगल के जरिए सैंकी पहुंचे अपने कुल व्यक्तिगत 17 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया कुल 35। 35 रन, छठा ओवर। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मयंक, जिन्होंने अब तक कुल 3 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए। सामना करेंगे सुभाष चंद्र की गेंद का। इस कम उछाल की अपेक्षा बल्लेबाज ने नहीं की थी। आखिरी वक्त में बल्ले को काफी नीचे ले गए, अपने सामने दबाया, लेकिन गेंद में थोड़ी उछाल भी थी, इतनी भी कम नहीं जिससे कि बल्लेबाज को किसी तरह की कोई दिक्कत हो। दर्शक आज भी काफी संख्या में आए हैं, आपका बेहद शुक्रिया प्यारे दर्शकों। अतिरिक्त एफर्ट डाला था, भाग्यशाली हुए सुभाष चंद्र की गेंद थोड़ी सी और बाहर निकलती तो वाइड के करीब थी। कंधे का इस्तेमाल, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी और बाहर की तरफ निकल गई। सीम पर टप्पा जब पड़ती है तो गेंद थोड़ी सी हिलती है, और जब लेदर वाले हिस्से में पड़े तो स्केट कर जाती है कभी कभी। क्रिकेट के लिए बिल्कुल उपयुक्त वातावरण, विजिबिलिटी काफी अच्छी। अच्छी गेंद, लगभग यॉर्क करा दिया था, लेकिन बल्ले के बॉटम ऑफ द बैट लगी गेंद फाइन लेग जो थोड़ा सा पीछे है, गेंद धीमी गई थी। वक्त दोनों बल्लेबाजों के पास अपने सिरे बदलने का, और इस एक रन के जरिए दोनों बल्लेबाज ने अपना सिरा बदला है और स्कोर को पहुंचा दिया 36। 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। अच्छा उछाल प्राप्त किया था। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 6 ओवर, 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर।
क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे भेजने के लिए जो YSC परसरमा काम करती है, रिंकू सिंह शेखावत काम करते हैं, यहाँ के प्रायोजक काम करते हैं, वो अतुलनीय है, अद्भुत है। कई काम ऐसे होते हैं जो छिपा हुआ होता है और कई काम पता चल जाता है। ये छिपा हुआ काम है, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी मेहनत बिहार की प्रतिभा को मंच देने के लिए YSC परसरमा कर रही है। सीधी गेंद, गेंदबाजी में पहली दफा स्पिन आक्रमण देखने का मौका मिला है। रिपुंजय मिश्रा महंगे साबित हुए थे, 14 रन खर्च किए थे पहले ओवर में, उन्हें हटाया आक्रमण से। आशुतोष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए फार अवे एंड की तरफ से मुकेश के लिए। कवर से एरिया में कुछ पहले दौड़ लगानी होगी। एक तो सैंकी के कदम थोड़े से छोटे होंगे, लंबे कद के जो खिलाड़ी होते हैं 5-7 कदमों में, क्रिस गेल को अगर ले तो 7 कदमों में वो 22 गज की दूरी माप लेते हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। तो सैंकी आइस ट्रैकिंग एंड पर बल्लेबाजी करेंगे अपने कुल निजी 17 के योग पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 4 के निजी योग पर मयंक। उछाल गेंद में अच्छी गैदरिंग, शानदार क्रिकेट ग्राउंड, इंटरनेशनल क्रिकेट के स्तर का आयोजन ये माना जा सकता है। सीधे बल्ले से जब भी गेंद खेली जाती है तो यहां उपस्थित दर्शकों में जो क्रिकेटर हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आप लंबे लंबे चौके छक्के लगाकर अचानक सुदर्शन नहीं बन सकते हैं, पहले आपको सैंकी बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, फिर बड़ा बनेंगे आप। ये अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, छोटा कद, ऊंची उड़ान, लाजवाब छक्का निकलता। इसके गेंदबाजी में पुनः अपने स्पेल को बढ़ाने के लिए आए हैं सुभाष चंद्रा, और उनके सामने मयंक अभी अभी आए हैं सुदर्शन, उन्हें गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है। आखिरी बॉल थी इसके पूर्व जिस पर बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन गए सैंकी। बहुत ही खूब धूप, वाह, गेंद में उछाल प्राप्त की थी गेंदबाज सुभाष चंद्रा ने, लेकिन बल्लेबाज पहले से भांप चुके थे कि मुझे कुछ रोटेशन करना है। अब तो यहां पर चौके छक्के लगाने की सोच दिमाग से बिल्कुल निकालनी होगी। 3 विकेट का नुकसान हुआ है, 44 रन बने हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है मुजफ्फरपुर की टीम, और 2 दिग्गज कप्तान हैं, एक तरफ आशीष सिंह है तो दूसरी तरफ राजेश सिंह। एक विजय हजारे ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं इस तरफ विपुल कृष्णा, तो दूसरी तरफ राजेश सिंह मुश्ताक अली ट्रॉफी के बेहतरीन एक तराशा हुआ नगम। नीची रहती हुई गेंद, लंबी गेंद, बाहर निकलकर एक रन लेना चाहते थे। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं सुदर्शन, लेकिन सामने से मना किया मयंक ने। नंदन सिंह, और जबकि जो फील्डिंग कर रहे हैं नंदन इस लोकल बॉय, और साथ में इन्होंने कई चमकदार पारियां खेली हैं सुपौल परसरमा के कोहली ग्राउंड पर, लाजवाब इनके कई छक्के देख चुका हूं मैं। राजीव ने अच्छी बल्लेबाजी यहां पर दिखाई है 4 साल पूर्व में जब नया नया यहां आया था। बहुत ही ऊंची गेंद, हाउ वाज दैट की अपील, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, और विनय झा अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं।
बीसीए पैनल के दो वरिष्ठ अंपायर खूबसूरत अंदाज में अंपायरिंग करवाते हैं और बिल्कुल इनके सटीक निर्णय होते हैं। मयंक के लिए सुभाष चंद्र, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे, और क्या किया क्षेत्ररक्षक ने, वो तो सामने थे। तो अभी अभी एक छक्का निकला था और ये 50 रन जो बने हैं मुजफ्फरपुर टीम के वो 47 गेंदों में आए, 48वीं गेंद हुई और ओवर संपन्न हो गया कुल सातवां, आठवां ओवर संपन्न। तो 8 ओवर 51 रन। नए युग का क्रिकेट ने कई चीजों को बदल डाला है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव आया 2020 का आ जाना, फिर 10 का आ जाना, T10 10-10 ओवर्स के मुकाबले अबू धाबी गल्फ कंट्रीज में खेले जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि लोगों के पास वक्त की कमी। आहा, क्या गैदरिंग है, लाजवाब, दिल खुश कर दिया आपने, वाइट का इशारा और बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा यहां पर दिखता हुआ। दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं है वो बड़ा ही खतरनाक माना जाता है। तुरुप का इक्का जिसे कह लें, छुपा रुस्तम कह लें, वो गेंदबाज हैं ये। 2 मिनट पहुंच गया, फिर से डॉट बॉल, गेंद कम कीजिए। गेंदबाज कौन है? आशुतोष सुदर्शन के लिए। दाहिने हाथ से एक गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से अफसोस जाहिर कर रहे हैं, जी बिल्कुल, ये एक चांस यहाँ पर मिलता हुआ। सुदर्शन बड़े ही भाग्यशाली और दुर्भाग्य सुपौल टीम का। बैक टू द बॉलर, कमाल की लाइन लेंथ है आशुतोष, ठीक है, और थोड़ी सी तेजी से डालते हैं। जी बिल्कुल, वक्त नहीं मिलता है बल्लेबाजों के पास, तो थोड़ा सा टाइम तो मिलता है, थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। गति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आशीष सिंह और आशुतोष की बातें करें तो थोड़ा सा अंतर है, 5-7 किलोमीटर का अंतर होगा स्पीड में, लेकिन लाइन लेंथ दोनों की शानदार होती है। ये तो 4 रन के लिए जा रही है गेंद भाई, कोई नहीं रोक पाएगा सुदर्शन के बल्ले से। सुभाष चंद्र आए हैं 10वें ओवर को लेकर, 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब तक योग था, और एक रन और जोड़िए 57, जो 3 विकेट का पतन हुआ है। मैं बता दूं, पहला विकेट गया था, स्कोर था उस वक्त 2, दूसरा 31 पर, तीसरा 43 पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे सैंकी, अंकुश और मुकेश, सर्वाधिक सैंकी 23 और बाद बाकी 2 बल्लेबाज 9 और 0 के योग पर। तो अब तक सारी बल्लेबाजी सैंकी के बल्ले से जो रन निकले उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, लेकिन जब तक सुदर्शन है तो ये अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। कल भी मुजफ्फरपुर टीम का तीसरा, थोड़ी सी कदम ताल में सुभाष चंद्र लड़खड़ाए, थोड़ी सी फ्लुएंसी उनकी लड़खड़ाई, और इस आपाधापी में उनकी गेंद दूसरी तरह की, एक किस्म अलग जूता फंसा था उनका। सुभाष चंद्र सुदर्शन के लिए, वाइड का इशारा, जितनी सफाई और फुर्ती के साथ विकेटकीपर गेंद को गैदर करते हैं तब तक इशारा भी आ जाता है, गेंद पहुंची नहीं कि सुरेंद्र नारायण हमारी तरफ मुड़ जाते हैं। इनकी
सुदर्शन को टारगेट बना रखा है इस बार सुभाष चंद्रा ने। मैंने देखा है कि लगातार गेंदबाजी वो कर रहे हैं मिडल और लेग की दिशा में, लेकिन इसमें मुझे मैं बोलूं या नहीं बोलूं, पूरा क्षेत्र खाली है, फाइन लेग का पूरा क्षेत्र खाली है। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, थोड़ी सी स्विंग, हल्की स्विंग दिखाई पड़ी और आलोक की गेंदबाजी काफी अच्छी है। जी बिल्कुल, आज गेंदबाजी अच्छी है सर। कल की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर थी और आज के अंतर है सहरसा के अपेक्षा सुपौल की गेंदबाजी। हवा में गेंद और ये ब्लेड पर लगकर गेंद चली गई 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। एक गली का जो एरिया है, अगर बॉल बल्ले पर आती है तो उस दिशा में जरूर जाएगी, बल्लेबाज से दूर गेंदे कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी है शुरुआत से ही। ये देखिए फिर से और ये गली की दिशा में आई भी गेंद। रिपुंजे जो कि काफी पीछे हैं 38 सर्किल में, स्लिप का पूरा क्षेत्र खाली और तीनों स्लिप को कवर कर रहे हैं पीछे खड़े होकर रिपुंजे। आशुतोष मयंक के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर ही गेंद डाली गई थी, पॉइंट की जानिब खेलते हुए एक रन लिया। एक अच्छा थ्रो, सटीक थ्रो विकेट कीपर के दास्तानों में समाती हुई, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और टीम की रन संख्या को पहुंचा दे 67। 67 रन, 13 पर पहुंचे मयंक, 12 पर बल्लेबाजी करेंगे सुदर्शन। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। जो दर्शक देर से आए हैं मैं उन्हें बता दूं शुभकामना कप का आज प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर बनाम सुपौल के बीच। टॉस मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान ने जीता था 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन बॉलर्स बैक ड्राइव किया है, यहां पर गेंदबाज के पास मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था लेकिन दोनों हथौड़ियों को चीरती हुई गेंद निकल गई साइड स्क्रीन के ठीक सामने टकराती हुई 4 रनों के लिए। तो सुदर्शन इस चौके की मदद से चले गए हैं 16 पर और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 71। 71 रन और मैं हूं सुपौल डिस्ट्रिक्ट के परसरमा में YSC द्वारा संचालित टूर्नामेंट का प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर बनाम सुपौल। 71 रन मुजफ्फरपुर टीम के और इसी के साथ इस सिंगल के जरिए टीम की रन संख्या कुल चली गई है 72। ओवर नंबर समाप्त हुआ है 11वां, 72 रन 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 72 रन और दोनों ही बल्लेबाज अब मजबूती से इस मुकाबले को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला जो विकेट गिरा था उस वक्त योग था कुल 43 और तब से लेकर अब तक इन दोनों ने 29 रनों की शानदार भागीदारी निभाई है। और बिना वेलकम किया है शानदार उछाल कर मारा गया शॉट छक्के के लिए जाता हुआ। सुभाष चंद्रा को मैंने अक्सर देखा है मिडल और लेग की तरफ अटैक रखते हैं, एक डीप फाइन लेग भी लगा रखा है उन्होंने, लेकिन सुदर्शन में एक खासियत है कि वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं लोच, और आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे है तो आप शॉर्ट आर्म पुल बेहतरीन करते हैं। कल कई ऐसे शॉट दिखाए सुदर्शन ने। सुभाष चंद्रा राइट आर्म ओवर द विकेट, माफ करेंगे राउंड द विकेट और विकेट के बिल्कुल करीब से आकर गेंदबाजी कर रहे हैं और मौके नहीं दे रहे हैं सुधर।
देखिए फिर से मिडल और लेग की तरफ गेंद डाली थी और क्या बेहतरीन फील्डिंग की है क्षेत्ररक्षक ने राजीव वहां पर। और मोहरे के रूप में सुदर्शन मयंक, अच्छी गेंद तेजी से अंदर की तरफ आई थी। कभी कभी विकेट कीपर हम लोगों के नजरों के सामने जो आ जाते हैं तो फिर विजिबिलिटी शून्य हो जाती है और तब मदद हम लेते हैं रिंकू सिंह शेखावत जी से। खींच कर मारा था सुदर्शन ने और ऐसे शॉट्स जब भी सुदर्शन लगाते हैं तो दर्शकों की अपेक्षाएं बलवती हो जाती हैं, उनके उत्साह चौगने हो जाते हैं कि गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, लेकिन गेंद अभी ग्राउंड के अंदर। आशुतोष सुदर्शन के लिए और बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। राजीव मौजूद है वहां पर, सुभाष चंद्रा मौजूद हैं। पिछले गेंद पर राजीव ने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए थे और अभी अभी 3 रन बचाए सुभाष चंद्रा ने। ये पूरा ग्राउंड देखिए, बिल्कुल मेरे मोबाइल कैमरे में तो लग रहा है किसी बहुत ही अच्छे रणजी ट्रॉफी से भी ऊँचे स्तर के मैच का मैं कवरेज कर रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छी संख्या में अपने दर्शक का नाम लिया और भैया दर्शक ने अपना दिल थाम लिया, शानदार छक्का निकला है। मयंक मारा तो था स्टाइल से कि ये भी 6 रन के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी हो गई सुपौल की। दो पहले क्या था, गेंद को सीधा रखते हैं। ये कौन आए हैं नए गेंदबाज, क्रॉस बेटेड शॉट, गेंद बल्ले पर आई नहीं। और दर्शक आज देखिए चारों तरफ से दिन प्रतिदिन दर्शकों की संख्या में शुमार होता जा रहा है, वृद्धि होती जा रही है। इसके लिए दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दूसरी दफे छकाया है यहाँ पर मयंक को, सामने से सुदर्शन ने कहा कि थोड़े धैर्य से गेंद को 1-2 डॉट डेड करो, आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी पार्टनरशिप को तोड़ दें। साझेदारी में आपने अक्सर देखा होगा, चाहे दुकानदारी वाली साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, या ठेकेदारी में पार्टनरशिप हो, बिल्कुल वो डाटा अभी तुरंत डाटा निकाला जा रहा है, आलोक निकाल रहे हैं। इस ओवर को देख लें पहले आलोक, कल 13 गेंदों में 22 रन बनाए थे, ये तो सही है, लेकिन साझेदारी की बातें हो रही है। यहाँ पर साझेदारी क्या हुई थी इस बात की चर्चा हो रही है, जब आपको फुर्सत मिले बता दें। वाह, इस गेंदबाज ने तो पूरी तरह से बांध लिया, एक अच्छा ओवर संपन्न होता हुआ। 60 रनों की सर पार्टनरशिप हुई थी कल, आज 40 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। छोड़ बदला है विपुल कृष्णा ने, बाया हाथ से ओवर द विकेट, खूबसूरत सा शॉट, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, क्षेत्ररक्षक मौजूद, सिरा बदलने का मात्र मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। और इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से दौड़ लगाते हुए सुरेंद्र नारायण सिंह को और सामने विनय झा। हवा में उछाला गया शॉट, क्या बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या अंदर रहेगी, जी हाँ ये काफी बाहर गई है, लगभग 5 से 7 मीटर। मुजफ्फरपुर टीम के 100 रन पूरे हो गए, 39 बॉल में 50 रन हो गए, 39 बॉल में 50। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, अब
पूरी तरह से कल वाला लय ताल प्राप्त कर चुके हैं। शून्य पर इनका कैच छूटा था, 12 पर कैच छूटा था, और तब इन्होंने संज्ञान लिया, खुद को कमिट किया कि नहीं मुझे विकेट नहीं फेंकना है, और जमकर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या गेंद थी ये, कंधे का जबरदस्त इस्तेमाल और गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद काफी उछाल प्राप्त की थी विपुल कृष्णा ने, थाइज में टकराती हुई। अंपायर विनय झा का इशारा लेग बाई का, और इस एकत्रित श्रीमान के जरिए मुजफ्फरपुर 101 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 15वां ओवर धीरे धीरे संपन्न होने के कगार पर। विपुल कृष्ण मयंक के लिए, 22 हाथ से ओवर द विकेट, थोड़ा सा बल्ला हाथ में घूमा था, और जब बल्ला आपके हाथ में घूम जाए तो गेंद जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक जाती नहीं। ओवर संपन्न हुआ कुल 15वां, और इसी के साथ रिंग्स इंटरवल का वक्त हुआ है, रन है कुल 102, 3 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी, 45 का पर डे लगे। वाह, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद गिरती हुई, मिले हुए मौके का लंबा शॉट, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक वहां पे, जी हाँ, वो पकड़ नहीं पाए, और बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधा बल्ला सर नीचे, और बिल्कुल जब बल्ले की सीध पर आप गेंद को लेते हैं तो आने वाले वक्त में जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे आपका भविष्य उज्जवल है। क्रीज के पूरी गहराई का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, और खींच कर मारा, सामने गेंद गई मिड ऑन की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त, और अब स्ट्राइकिंग रेंज पर चले आए हैं सुदर्शन, कल के शतकवीर और आज अर्धशतक की ओर कदम बढ़ा चुके हैं मजबूती से दोनों ही बल्लेबाज। आशुतोष बहुत ही अच्छी कोशिश, कोशिश के लिए तो एक ताली बनती है। 40 पर सुदर्शन लंबा शॉट, बिल्कुल ये भी 95 मीटर 95 मीटर का छक्का गया था। सुदर्शन 46 पर, सुदर्शन ने एक बार फिर से घुमाया, और इसी के साथ ये चौका निकलता हुआ चीयर्स लीडर के मंच के सामने, सुदर्शन का 50वां पूरा होता। कुल 36 गेंदों का सामना किया सुदर्शन ने, 51 रन पर खेल रहे हैं, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। तो दो जो दंदनाते हुए शॉट निकले, स्कोर अचानक उछलता कूदता फांता हुआ चला गया है 128, जबकि ओवर नंबर कुल संपन्न हुआ है 17वां। 85 रनों की शानदार भागीदारी, पार्टनरशिप हो चुकी है। लंबा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन अपने घर के अंदर थे, क्रिस के अंदर थे, और जब विनय झा जैसे चौकस, चतुर, चालाक, तेज तर्रार अंपायर मौजूद हो तो फिर किसी भी क्रिकेटर को आपत्ति नहीं होती है उनके निर्णय पर। एक छक्का निकला मयंक के बल्ले से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाजों ने की है, शतकीय साझेदारी के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। कितने रन दूर हैं बताया जाएगा मुझे, 91 रनों की भागीदारी, नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी थी, और मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन लिए। कौतूहल जगा देते हैं सुदर्शन, बोला
फॉरन देकर के एक विकेट लिया है, 7 रन देकर। और मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, राजेश सिंह ने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी इसके पूर्व, 7 रन 1 विकेट। पार्टनरशिप कितनी हो गई बताएं, 97 रनों की पार्टनरशिप हुई है, साझेदारी पनप चुकी है, लंबी हो गई है। और पिछला विकेट गिरा था कुल 43 के योग पर, 43 के योग पर, और अभी योग है मुजफ्फरपुर का 140। अपनी पेस से और लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को मजबूर करते हैं कि वो खुलने का मौका नहीं देते हैं राजेश सिंह। इस बार मैं राजेश सिंह को कुछ निखरे हुए अंदाज में देख रहा हूं, गेंद में गति है, लाइन लेंथ है, इंथुजियास्टिक थोड़े से दिखाई भी अच्छे पड़ रहे हैं फिजिक से। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर एक लाजवाब कैच पकड़कर पारी का अंत किया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके कल शतक जमाया था, और सुदर्शन आज अर्धशतक जमा कर वापस पेविलियन जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। बजाइए जोरदार तालियां एक बार सुदर्शन के लिए, आपका खासा मनोरंजन करके। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं सुदर्शन जिन्होंने कल शतकीय पारी खेली थी और आज लाजवाब अर्धशतक जमा कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में प्रदान कर वापस लौट रहे हैं। तो 40 गेंदों का सामना करके सुदर्शन ने कुल 55 रन बनाए, और इन 55 रनों में 5 छक्के और 6 छक्के 5 चौके शामिल। एक परिवर्तन मुजफ्फरपुर की टीम में, गेंद के आने का इंतजार किया, मयंक ने अपने सामने खेला, मयंक बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल अपने निजी 40 पर, और टीम का कुल ग्रैंड टोटल है मुजफ्फरपुर 140 चार विकेट के नुकसान पर। राजेश सिंह की गेंद थोड़ी सी गति परिवर्तन कर दी थी, इस वजह से चकमे में डाला बल्लेबाज को, गेंद के आने का इंतजार करना पड़ा बल्लेबाज को, हल्के बल्ले से खेला और सिली पॉइंट की दिशा में कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं, सिंगल लिया, 141 चार विकेट का पतन हुआ है। मजबूत स्थिति में मानी जा सकती है मुजफ्फरपुर की टीम, और मजबूती की सबसे बड़ी वजह वो पार्टनरशिप जो मयंक और सुदर्शन के बीच अभी तुरंत संपन्न हुई है, शतक की साझेदारी में बदल नहीं पाए, 97 रन की बेहतरीन साझेदारी दोनों के बीच। राजेश सिंह बाएं हाथ से फिर देखिए इस गेंद में गति परिवर्तन, स्लोअर डिलीवरी डाली, अच्छा ओवर माना जा सकता है क्योंकि सुदर्शन का विकेट लिया है। राजेश सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दो विकेट। तो राजेश सिंह ने कुल 3 ओवर की गेंदबाजी की, 12 रन खर्चे और 2 सफलताएं उनके हिस्से में आई हैं। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजेश सिंह को, जो मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक बेहतरीन क्रिकेटर सुपौल क्षेत्र के माने जाते हैं, बिहार का एक नगीना, यूट्यूब चैनल के दर्शकों से मैं बातें कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है। तो एक और नया ओवर शुरू हो रहा है, विपुल कृष्णा ने अपना एंड तीसरी दफे चेंज किया है, कमेंट्री बॉक्स से एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, और बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, 1 रन माफ़ करेंगे और जुड़ता हुआ टीम के टोटल खाते में कुल रनों की संख्या चली गई 142, 142 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आप देख रहे हैं शुभकामना कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मुजफ्फरपुर बनाम सुपौल, जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। अच्छी उछाल इस गेंद में, बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए, आखिरी वक्त में जो सिंगल बैटेड शॉट होता है उसे धकेलते हुए कवर्स एरिया में सिंगल लिया। अब विपुल कृष्णा की गेंदबाजी को देखना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, दर्शकों से अनुरोध है, अच्छे गेंदबाज हैं, दर्शकों से अनुरोध, बैनर से थोड़ा हाथ के बहुत मेहनत करती है, उसे चलाने में
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ये गेंद आई थी कहाँ, मिडल और लेग की तरफ। दो बातें हुई यहाँ पर, चौका लगने से बचा और विकेट भी जाने से यहाँ पर बचा, क्योंकि इस बॉल को अगर चूक खेलने में चूकते तो बिल्कुल प्लम वो आउट हो जाते। दो दिग्गज अंपायर हमारे बीच, बेहद शुक्रिया। स्क्रीन पर मैं दिखाऊं, ये विनय झा और इधर सुरेंद्र नारायण। क्रॉस बैटेड शॉट, इस बॉल में इस तरह के शॉट लगाने के लिए थोड़ा थोड़ी सी चपलता की आवश्यकता होती है, पूरे तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाया। और देखिए, जब आपका एक पार्टनर आपसे बिछड़ जाता है तो आपके खेल में भी तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। फुल टॉस बॉल, भरपूर फायदा उठाया और गेंद को ड्राइव कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चार रनों के लिए। तो ओवर संपन्न हुआ है अभी अभी कुल 20वां, 150 रन 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात, विकेट गिरे हैं कुल चार। राजेश सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार। बैट टू द बॉल और क्या फुर्ती ले, क्या फुर्ती दिखाई। अगर विकेटों में जाकर गेंद लग जाती तो शायद यहां पर बल्लेबाज को मायूस होना पड़ता, और जिन भी गेंदबाजों के फॉलो थ्रू बहुत स्ट्रांग होते हैं वो अपनी गेंदबाजी पर रन तो बचाते ही बचाते हैं और टीम को फायदा भी दिलवा जाते हैं, कभी कभी रन आउट भी बेहतरीन हो जाता है उनके जरिए। तो राजेश सिंह में वो अभी जलवा, वो खूबी, वो काबिलियत दिखाई पड़ी थी। ओहो, पल्ला अड़ाया है, गेंद जा रही है बिजली की रफ्तार से और क्या करिश्माई क्षेत्र रक्षण। वक्त था बिल्कुल विकेट की 153 रन, और यहां पर ये बॉल कौन रोकेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। शानदार चौका मिलता हुआ, कुल योग चला गया है 157। तो राजेश सिंह इस ओवर में एक विकेट की तलाश में है। पहले से कमिट कर लिया था और यहां पर रिवर्स शॉट लगाते हुए लेग बाय का इशारा, एक रन। धीमी गेंद, और धीमी गेंदों पर कई दफे मैंने राजेश सिंह को सफल होते हुए देखा है। जबकि जो रिप्लेसमेंट थी यश मेहता की, और उसमें सोनू ने अब तक कुछ सब कुछ सही साबित किया है, 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और ओवर संपन्न, 21 ओवर की समाप्ति के पश्चात 159 रन मुजफ्फरपुर, 4 विकेट के नुकसान पर। हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और एक आसान सा यहां पर कैच थमाकर वापस लौट रहे हैं। अर्धशतक नहीं जमा पाए तो क्या हुआ, पारी को उन्होंने जमा दी और जो स्कोर था 43-3 उसे 140 तक पहुंचाकर वापस लौट रहे हैं। अच्छी साझेदारी हुई थी, यॉर्क कराने की कोशिश में फुल टॉस बनी थी गेंद और गेंद आ रही है बिजली की रफ्तार से टीम के कप्तान राजेश सिंह के पास। विपुल कृष्णा बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद हवा में, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है और मैं कैच करने देख रहा हूं और यहां पर लाजवाब, बेहतरीन 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 कैचिंग की है राजीव ने, लाजवाब। दर्शकों से गुजारिश, एक बार जोरदार तालियां राजीव के लिए हो जाए भाई। अच्छा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल, उछाल वाली गेंद पर आप इतने बेहतरीन तरीके से अगर खेलते हैं तो इसका यह मतलब है कि आपने काफी प्रैक्टिस की है, काफी मेहनत की है, वर्कआउट किया है अपने। विपुल कृष्णा थोड़े बड़े हुए हैं इधर, 2 साल पहले बहुत ही भोले लगते थे, अब तो दाढ़ी मूछें भी इनकी निकल आई हैं, बहुत मेहनती ये खिलाड़ी है।
देखिए कितनी तेज गेंद थी, लेकिन तेजी के चक्कर में वाइड गेंद और बिल्कुल बहुत खूबसूरत गेंद। तो लीजिए इसी के साथ यहां पर चपलता के साथ गेंद को फील्ड किया फॉलो थ्रू में और एक और सफल ओवर संपन्न होता हुआ कुल 22 ओवर 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मुजफ्फरपुर का योग है। तो अपने कोटे के आखिरी ओवर लेकर आए हैं राजेश सिंह। सुबह से ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश, हालांकि विकेटों की संख्या उनकी कुछ ज्यादा होती, लेकिन ये क्रिकेट है, संयोग है, कोई जानबूझकर कैच तो छोड़ता नहीं। थोड़ी सी खामोशी छाई है, सुदर्शन के आउट होने के पश्चात रनों की रफ्तार में थोड़ी सी कमी। एक रन और मिलता हुआ और इस एक रन के जरिए टीम मुजफ्फरपुर के रनों की संख्या चली गई कुल 164 रन 6 विकेट का नुकसान हुआ है अब तक, जिसमें शानदार 44 रन बनाए मयंक ने, सुदर्शन ने बनाए कुल 55। 97 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों के बीच, मयंक और सुदर्शन के बीच 43 पर 3 विकेट गिर गए थे, तब इन दोनों ने धरती पारी को संभाला था मुजफ्फरपुर की पारी को। राजेश देखिए हाई बैकलिफ्ट रखते हुए लॉफ्टेड शॉट लगाने के लिए तो कदम ताल होने जरूरी होते हैं, कदमों को बाहर नहीं निकाला और अपनी स्लो डिलीवरी से एक बार फिर से चकमे में डाला बल्लेबाज को राजेश सिंह ने। को मैं एक बार दिखा दूं इसी बीच कितनी संख्या में यहां पे दर्शक आए हैं, लगभग आज 8,000 से ऊपर की भी। और ये प्यारे प्यारे दर्शक हैं, शुभकामना कप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और यहाँ के माहौल को बड़ा ही प्यारा बना देते हैं। पूरी तरह से खामोशी और देखिए इस बार क्या किया राजेश सिंह ने, जैसे ही देखा क्रॉस द लाइन आए हैं, गेंद में थोड़ी सी गति दी, उछाला, कंधे का इस्तेमाल किया। क्षेत्ररक्षक मौजूद, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली गई थी और जब तक फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, ओवर संपन्न हुआ, रनों की कुल संख्या 166। सुभाष चंद्रा और यहां फील्डिंग में थोड़ी सी चूक, चौका निकल गया और सुरेंद्र नारायण का इशारा चार, मुजफ्फरपुर 170 रन, जबकि अगर बल्लेबाजों की बातें करें तो 6 बल्लेबाज अब तक पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। पहला विकेट का पतन हुआ था 2 के योग पर, दूसरा 31, तीसरा 43 और एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 97 रनों की मयंक और सुदर्शन के बीच, चौथा विकेट गिरा था तब 140, पांचवा 160 और छठा 160 पर। और अभी स्कोर की बातें करें तो कुल 170 तो 10 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और यहां पर दर्शकों की मांग के बीच एक और चौका जड़ दिया बल्लेबाज ने, हृदयानंद भी आते थे खेलने के लिए। बाहर की तरफ गेंद, लाइन से हटाया और अपने चिरपरिचित शैली में अच्छी गेंदबाजी। और यहां पर तो अब बल्लेबाज जितने रन जोड़ पाए सिंगल के जरिए, चौके आवश्यक नहीं है, सिंगल भी अगर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। सुभाष चंद्रा और यहां पर फिर से पिछले बॉल की पुनरावृत्ति हुई है, लेग स्टंप और उनके लेग गार्ड के बीच से गेंद निकल गई। इस ओवर की समाप्ति के बाद एक और ओवर शेष बचेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात हो रही है कि सुपौल के गेंदबाज रन कम दे रहे हैं स्लॉक्स में, नहीं तो स्लॉक्स के ओवर में 5 ओवर में 70 रन 80 रन
बन जाते हैं। हवा में शॉट, शतरक्षक गेंद के नीचे और यहां पर आउट होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं रंजन यादव। और इस वक्त में विकेटों का गिरना आम माना जाता है, आम बात होती है। तो कुल अभी अभी एक विकेट गिरा है मुजफ्फरपुर टीम का। और यहां पर एक और सफलता, ऑन द हैट्रिक है सुभाष चंद्रा। फिर से मैं रन बता दूं आपको दोस्तों, 175 रन, 8 विकेट का पतन हुआ है। और आखिरी ओवर रिपुंजय मिश्रा डालेंगे, अनिमेश और पप्पू दो गेंदबाज, एक स्पिनर है तो एक पेस। अनिमेश शर्मा नॉन स्ट्राइक गेंद पर और पप्पू के लिए गेंदबाजी करेंगे रिपुंजय। खींचकर मारा है सामने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो आता गेंदबाज के पास, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिया, रनों की स्कोर संख्या को पहुंचाया 176। 8 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर 176 रन। टॉस जीता था मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान आशीष सिंह ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कल भारी अंतर से उन्होंने सहरसा को परास्त किया था। हवा में गेंद, हाथों में थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे होंगे अनिमेश। जिस हाथ से गेंदबाजी करते हैं उसी हाथ में, दाएं हाथ के अगर गेंदबाज हैं तो ये दर्द महसूस कर रहे होंगे। कोई चोटिल ना हो जाए, कोई घायल ना हो जाए, हमारे क्षेत्र के क्रिकेटर इन बातों का, इस दर्द का एहसास हम सबों को रहता है। आप हमारे क्षेत्र की जान हैं। उछाला है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये सिर्फ दर्शक बन जाने का काम करेंगे। अगर बल्ले पर कहीं से भी लग जाती तो ये छक्का ही जाता है, हमारी तरफ भी आ सकता था। जिस तरह से गेंद में उछाल थी, मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं। एक और लंबा शॉट, पटाखा धमाका करते हुए पप्पू अपने, अगर कोई वाइड और नो नहीं होती है तो ये आखिरी बॉल, दर्शक खामोश नहीं रहते आखिरी बॉल पर। हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे हैं और इसी के साथ इस आखिरी बॉल पर एक सफलता मिली है। 9वां विकेट गिरा है। कुल रन में बता देना चाहता हूं, 189, 189 रन बनाया मुजफ्फरपुर ने 9 विकेट के नुकसान पर। 190 रन सुपौल को चाहिए जीतने के लिए सूचना के साथ। तो इस सूचना के साथ मैं YouTube चैनल के दर्शकों से भी विदा लेना चाहूंगा कि 189 रन बनाए, 190 रनों का लक्ष्य रखा है सुपौल के सामने। पहले ही गेंद पर उछाल कर शॉट मारा गया, एक रन लिया है सुपौल का खाता खुला एक रन से, 190 रनों का लक्ष्य और मिड विकेट की दिशा में उछाला था। खाली पड़े हुए क्षेत्र का फायदा, एक रन से खाता खुला सुपौल टीम का। रंजन की गेंद और देखिए कितनी फुर्ती से सुरेंद्र नायर ने इस गेंद को वाइड करार दी। रत्ती भर भी देर नहीं लगाई उन्होंने और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है सुपौल का। कुल दो रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए एक बड़ा लक्ष्य सामने टंगा हुआ है 190 का। अच्छी गेंद, सीधी रहती भी गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले से लगने दिया, गेंद गई गली की दिशा में, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। प्रथम पावर प्ले के दौरान दो खिलाड़ी घेरे के बाहर,
सीधे बल्ले से शानदार शॉट, लाजवाब चौका निकलता हुआ, दर्शनीय शॉट, बहुत ही अच्छी गेंद, क्या अंदर की तरफ आई, लग रहा था छठे विकेट को निकल जाएगी और आखिरी वक्त में गेंद ने कांटा बदला और मिडिल लेंथ की तरफ चली आई। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक जी बिल्कुल पीछे रह गए, कोशिश की है, एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं, सामने से मना किया। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गेंदबाजी, उछाल और थोड़ी सी लहर गेंद में, हल्की सी जो स्विंग होती है वो दिखाई पड़ी, जिस हिसाब से गैदरिंग की विकेट कीपर ने, आप अंदाज लगा सकते हैं कि गेंद ने किस तरह से विकेट छोड़ने के बाद मूव किया। शॉर्ट आर्म पुल किया है, खाली पड़े हुए क्षेत्र का फायदा उठाया और वन बाउंस फोर निकलता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी, यही महत्वपूर्ण काम किया, झुककर बल्लेबाजी करते हैं, बल्ले को हवा में रखते हैं और जब गेंद आती है तो अपने कमाल दिखाते हैं, इस स्टाइल के ये बल्लेबाज हैं। आयुष पहुंचे दो चौके और एक सिंगल के जरिए 9 पर और अपनी टीम को पहुंचा दिया कुल 12 पर। फिर से कंधे का इस्तेमाल, अच्छा थ्रो, आखिरी वक्त में गेंद ड्रॉप हो गई, कहां चिल्ला रहे हैं आप पप्पू जी, गेंद गिर गई नीचे, अगर गेंद हाथों में चिपक जाती तो आपका चिल्लाना लाजिमी था। ओ माय गॉड, क्या सुंदर गेंद, हल्की सी मूवमेंट, जब गेंद हल्की सी हिले तो वो आपके लिए परेशानी का सबब पैदा करती है लेकिन अगर ज्यादा हिल जाती है तो बल्लेबाज उसमें सुरक्षित होते हैं, हल्की सी मूवमेंट थी इस गेंद में। 190 रनों का लक्ष्य सामने सुपौल के और स्कोर है अभी कुल बगैर किसी नुकसान के 13। तीसरा ओवर, बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, कमाल की गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ गेंद कटी थी और बल्लेबाज खुद अचंभित है कि मैं सुरक्षित कैसे हूं क्रीज पर। आश्चर्यजनक रूप से बल्लेबाज यहां पर बचे हैं, रंजन यादव राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गेंद हवा में है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे मौजूद और ये देखिए पहला विकेट का पतन हुआ है, आउट होने वाले बल्लेबाज त्रिपुरारी वापस पेवेलियन लौट रहे हैं काफी मायूस। पिछली दो गेंदों पर जबरदस्त तरीके से छकाया था बल्लेबाज को रंजन यादव ने और अंततः अपने विकेट को गंवाकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं त्रिपुरारी, तो पहला विकेट गिरा है सुपौल टीम का 13 के कुल योग पर। और ये देखिए जश्न जुनून का माहौल मुजफ्फरपुर के खेमे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर पूरे बिहार सूबे में एक मजबूत टीम मानी जाती है, खासकर DYMCC जो आशीष सिंह की अगुवाई में आती है, बिहार के विभिन्न हिस्सों में खेले जाने वाले अक्सर जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसकी विजेता टीम ये होती है। तो नए बल्लेबाज के रूप में लोकल बॉय जो काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर हैं, पिछली इनिंग भी इन्होंने अच्छी खेली थी, हालांकि ज़्यादा देर तक पारी को खींच नहीं पाए थे, 22 रन बनाए थे मेरे हिसाब से, 2 छक्के की मदद से 22 रन बनाए थे मुझे याद है,
और एक बार फिर से इनके मजबूत कंधों पर वो सारा दारो मदार होगा। तो रंजन यादव जिन्होंने शानदार गेंदबाजी अब तक की है, स्विंग और कटर गेंदबाजी से उन्होंने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है, विकेट की प्राप्ति भी, और यहाँ पर फिर से अच्छी गेंदबाजी, हाउ वाज दैट की अपील, थोड़ी सी उछाल। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, बॉल स्क्वायर ड्राइव, रन की कोई गुंजाइश नहीं, मंगल पर तो बैटिंग नहीं हुई है। एक सौ नब्बे रन के लक्ष्य की तरफ देख रही है इस ऑल की टीम, हालांकि एक झटका लग चुका है 13 गेंदों पर, फिर पुरानी वापस पवेलियन गए हैं। अभी का स्कोर 15, एक विकेट का पतन हुआ है त्रिपुराड़ी के रूप में। तो एक बड़ा जिम्मा है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, नंदन और आयुष के ऊपर। नंदन ने भली बातें इस माहौल से, उसी क्षेत्र की मिट्टी से और खासकर परसलमा के कोहली ग्राउंड से वाकिफ है, कई बड़ी से उछाल भरी हुई गेंद अंदर की तरफ आती हुई, कमर की ऊंचाई तक ही अपने सामने दबाया। पूरे बिहार सूबे में गिनती के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खेले जाते हैं, उनमें से एक नाम शुभकामना कप का भी आता है, आमंत्रण कप, शुभकामना कप, आजाद कप, काफी टूर्नामेंट है जिनमें से शुभकामना कप की एक अलग पहचान है। बेहतरीन शॉट, कलाकारी इस शॉट में, नजाकत भी और ताकत भी था दोनों भी। और एक और शॉट फाइनल की दिशा में, रन आउट होने का खतरा यहां पर नजर आ रहा था। क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं आज रंजन यादव, कांटे का मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर है, एक एक गेंद महत्वपूर्ण, एक एक रन महत्वपूर्ण। रंजन यादव लाइक आर्म ओवर द विकेट आगे आए थे और आखिरी वक्त में ये को जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। तो पप्पू और रंजन यादव ने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की है, रनों पर अंकुश लगाया है और बल्लेबाजों को खुलकर शॉट लेने नहीं दिए। 15 गेंदे डाल चुके हैं जिसमें से 11 डॉट गेंदे ले लगे, चूंकि एक मिडऑन लगा रखा है खुद कप्तान आशीष ने अपने को, तो वहां पर जो सिंगल निकल जाते हैं वो सिंगल भी बचाया। रंजन टू नंदन, और नंदन ने हल्के हाथों से बॉलर की दिशा में गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड करने के बाद कुछ सोचते हुए अपने कदमों को मापते हुए बॉलिंग मार्क्स की तरफ आ रहे हैं रंजन यादव। छोटा सा रन, ज्यादा कुछ विशेष करते भी नहीं है, सीधे आते हैं, गेंद फेंकते हैं। 14-15 कदमों का रनअप है रंजन यादव। हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, स्क्वायर लेग की दिशा में घुमा दिया है, एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने दो रन लिए, और रंजन यादव कुछ खास खुश नहीं है, उन्हें लग रहा था कि यहां पे एक ही रन होना चाहिए। बॉम शॉट, दर्शकों की अपेक्षाएं धीरे धीरे खुद हो रही थी और उसे जीवित करने का काम किया है इस शानदार बल्लेबाज ने। शर्मा ने जगह बना ली थी
मित्रों के ऊपर है और तेजी से गगनतल की तरफ। राजेश सिंह आए हैं नगरवास, बैकफुट पर आए, गेयर को खींच कर पहुंचाया मिडॉन की दिशा में और जब तक गेंद फील्ड की जाती राजेश सिंह खाता खोल कर मनुष्य लैकिन पर चले गए। कुल रनों की संख्या 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुपौल 190 रन को चेज किया जा रहा है और 190 रन चेज करने में ये कुल छठा ओवर बातों ही बातों में चलाया। 31 रन जोड़ने में 2 विकेट गवाए हैं सुपौल की टीम ने। बल्ले पर पूरी तरह से ले नहीं पाए और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता ऑन साइड में दोनों बल्लेबाजों ने फिर से एक रन लिए। एक एक रन करके अभी अपनी पारी को जमाना होगा, निगाहें जमा कर रखनी होगी। प्रत्येक गेंदों पर सिग्नल लिए जा रहे हैं और इसी के साथ एक बेहद ही किफायती और सफलतम ओवर संपन्न किया है अनिमेश शर्मा ने। 5 रन खर्च के इस ओवर में, छठे ओवर में, और एक सफलता प्राप्त की। कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन यानी 33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट सुपौल। टीम मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष नेहराजी कर रहे हैं आयुष के लिए। हल्की गेंद और फॉलो थ्रू में खुद को चोटिल होने से बचाते हुए आशीष ने गेंद को फील्ड किया। गेंद में गति नहीं है लेकिन सभी भी लाइन लेंथ के बादशाह हैं आशीष सिंह। ये देखिए फिर से बल्लेबाज को बांधने में माहिर हैं और ऐसे वक्त में खुद को लगाते हैं आशीष चालाकी से जब टीम कहीं पर फंस जाती है, उनके विकेट गिरे हुए होते हैं, अगला बल्लेबाज आउट नहीं होना चाहता है और बल्लेबाज के कदम ताल यानी क्रीज को छोड़कर बल्लेबाज आगे नहीं बढ़ते हैं तो 190 रन के लक्ष्य की तरफ देख रही है सुपौल की टीम। हालांकि एक झटका लग चुका है 13 गेंदों पर, फिर पुरानी वापस कर लिए गए हैं। अभी का स्कोर 15, एक विकेट का पतन हुआ है त्रिपुराड़ी के रूप में। तो एक बड़ा जिम्मा है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, नंदन और आयुष के ऊपर। नंदन ने भली बातें इस माहौल से, उसी क्षेत्र की मिट्टी से और खासकर परसलमा के कोहली ग्राउंड से वाकिफ है। कई बड़ी से उछाल भरी हुई गेंद अंदर की तरफ आती हुई कमर की ऊंचाई तक ही अपने सामने दबाया। पूरे बिहार सूबे में गिनती के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खेले जाते हैं, उनमें से एक नाम शुभकामना कप का भी आता है। आमंत्रण कप, शुभकामना कप, आजाद कप, काफी टूर्नामेंट है जिनमें से शुभकामना कप की एक अलग पहचान है। बेहतरीन शॉट, कलाकारी इस शॉट में, नजाकत भी और ताकत भी था दोनों भी। और एक और शॉट फाइनल की दिशा में, रन आउट होने का खतरा यहां पर रहा था। क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं आज रंजन यादव। तो कांटे का मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर है। एक एक गेंद महत्वपूर्ण, एक एक रन महत्वपूर्ण। रंजन यादव लाइक आर ओवर द विकेट आगे आए थे और आखिरी वक्त में
गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दास्तान में। तो पप्पू और रंजन यादव ने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की है, रनों पर अंकुश लगाया है और बल्लेबाजों को खुलकर शॉट लेने नहीं दिए। गेंदे डाल चुके हैं जिसमें से 11 डॉट गेंदे ले लगे, चूंकि एक मिड ऑन लगा रखा है खुद कप्तान आशीष ने अपने को, तो वहां पर जो सिंगल निकल जाते हैं वो सिंगल भी बचाया। रंजन टू नंदन और नंदन ने हल्के हाथों से बॉलर की दिशा में गेंद को खेला। फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड करने के बाद कुछ सोचते हुए अपने कदमों को मापते हुए बॉलिंग मार्क्स की तरफ आ रहे हैं रंजन यादव। छोटा सा रन, ज्यादा कुछ विशेष करते भी नहीं है, सीधे आते हैं गेंद फेंकते हैं। 14-15 कदमों का रनअप है रंजन यादव। हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, स्क्वायर लेग की दिशा में घुमा दिया है, एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने दो रन लिए और रंजन यादव कुछ खास खुश नहीं है। उन्हें लग रहा था कि यहां पे एक ही रन होना चाहिए। शॉट, दर्शकों की अपेक्षाएं धीरे धीरे खुद हो रही थी और उसे जीवित करने का काम किया है इस शानदार बल्लेबाज ने। बैकफुट पर आए गेंद को खींच कर पहुंचाया मिड ऑन की दिशा में और जब तक गेंद फील्ड की जाती राजेश सिंह खाता खोलकर मनुष्य लैटिन पर चले गए। कुल रनों की संख्या 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सुपौल 190 रन को चेज किया जा रहा है और 190 रन चेज करने में ये कुल छठा ओवर बातों में चलाया। 31 रन जोड़ देने 2 विकेट गवाए हैं सुपौल की टीम ने। पर पूरी तरह से ले नहीं पाए और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता ऑन साइड में दोनों बल्लेबाजों ने फिर से एक रन लिए। एक एक रन करके अभी अपनी पारी को जमाना होगा, निगाहें जमा कर रखनी होगी। गेंदों पर सिंगल लिए जा रहे हैं और इसी के साथ एक बेहद ही किफायती और सफलतम ओवर संपन्न किया है अनिमेश शर्मा ने। 5 रन खर्च किए इस ओवर में, 6 ओवर में और एक सफलता प्राप्त की। कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन यानी 33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट सुपौल टीम मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष नेहलवाजी कर रहे हैं। आयुष के लिए हल्की गेंद और फॉलो थ्रू में खुद को चोटिल होने से बचाते हुए आशीष ने गेंद को फील्ड किया। गेंद में गति नहीं है लेकिन सभी भी लाइन लेंथ के बादशाह हैं आशीष सिंह। ये देखिए फिर से बल्लेबाज को बांधने में माहिर है और ऐसे वक्त में खुद को लगाते हैं आशीष चालाकी से जब टीम कहीं पर फंस जाती है, उनके विकेट गिरे हुए होते हैं
अगला बल्लेबाज आउट नहीं होना चाहता है और बल्लेबाज के कदम ताल यानी क्रीज को छोड़कर बल्लेबाज आगे नहीं बढ़ते हैं तो